मेरे गांव में आज प्रोग्राम था कुलदीप शर्मा जी का, पूरे गांव में से मुश्किल से 50-60 आदमी पहुंचे हैं। कोशिश करेंगे आज एक भी प्रचिन जान देंगे निर्मल के नाम से। एक लोग मुस्लिम समाज से, हमें इसमें कोई दो राय नहीं है, हमें बिल्कुल किसी चीज का खौफ नहीं है कि हम लोगों ने जो है ना देवेंद्र कादियान भाई को जो है ना अपना छोटा भाई अपना बड़ा भाई मान करके उनको खुलकर के समर्थन दिया है। और सरपंच एसोसिएशन का जो भाईचारा है वो देवेंद्र कादियान जी के साथ है। मोदी जी आ जाए तो भी नहीं। चेकपरा गांव का सरपंच भाई निर्मल चौधरी है गांव से, और मैं आपको ये कहता हूँ कि आत्मा से जुड़े हुए हम देवेंद्र भाई के साथ। ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई ये भ्रमतियाँ फैलाई जा रही है ना, जो अगर कर्मा टूट गया किसी के साथ चला गया, किसी और दल के साथ चला गया और नेता के साथ चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। हम आत्मा से भाई के साथ जुड़ रहे हैं और हम ना टूटने वाले हैं ना हम बिकने वाले हैं। रही बात दूसरी, ये है अग भाई अगर कोई ये कहे अग भाई कोई भी सरपंच हमारा भाई टूट गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरे पास मेरा भाई गुरमेल बैठा है, ये गुरमेल भाई बताऊँ भाई। मैं कोई दो तीन दिन पहले मेरी पत्नी का किसी ने फोटो लगा गए अचाला था भाई वो गुरमेल सरपंच की पत्नी ने हमसे समर्थन दे दिया, ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होगा। हम भाई साहब के देवेंद्र कादियान के साथ जुड़े हुए हैं और मरते दम तक जुड़े रहेंगे। इसकी रीढ़ के दिया काम करेंगे भाई हम। मोदी जी आ जाए तभी नहीं सभी को नमस्कार। मैं गढ़ी गुलामा से पांचू ग्राम से सरपंच प्रतिनिधि, हमारे गांव से ज्यादा वोटों को से जितेंद्र को देवेंद्र कादियान भाई को जिता के भेजेंगे। इस चीज का किसी को भ्रम हो तो आके अपना भ्रम हमारे गांव में आके दूर कर सकता है। भाई मैं अगवानपुर गांव से सरपंच हूँ। पिछले कई दिनों से जो जितने भी हम सरपंच भाई हैं जिन्होंने जो बजाने में पंचायत हुई थी उन सब ने देवेंद्र कादियान जी को अपना समर्थन दे दिया था, और पिछले दो तीन दिन से अलग अलग सरपंचों का नाम लेके अलग अलग गांव में जाके ये बात बोली जा रही है कि उस गांव के सरपंच की हमारे साथ रात को मीटिंग होगी है, दो दिन में स्टेज पे आ जाएगा, दूसरे गांव में जाके किसी दूसरे सरपंच का नाम लिया जा रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा सरपंच एसोसिएशन का जो भाईचारा है वो देवेंद्र कादियान जी के साथ है। जितने सरपंच उस दिन खड़े थे उनमें से बड़े हैं एक भी नहीं घटा है, सबका अपना जमीर है, सबका अपना एक 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 रुतबा है और सब अपनी जगह खड़े हैं, कोई भी कस से मस नहीं होगा। ये लड़ाई धर्म है, धर्म की लड़ाई है, और सारे सरपंच जितने भी गन्नौर ब्लॉक के सरपंच है, विधानसभा गन्नौर के सरपंच है, वो सब इस धर्म अधर्म की लड़ाई में धर्म के साथ खड़े हैं और देवेंद्र भाई का ध्यान के साथ खड़े हैं। कोई भी सरपंच कहीं नहीं जाने वाला, ना किसी के बहकावे में आना है, ना कोई बहकावे में आया है। जो भी ये भ्रांतियां फैलाई जा रही है ये सब झूठी है। सारा सरपंच एसोसिएशन और सारा सरपंच भाईचारा एकजुट होके दिन रात मेहनत कर रहा है देवेंद्र कादियान जी को विधानसभा कन्नौर से जिताने की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गड़ी कल के नाम सरपंच, हमारे गांव में 80% में भाई साहब कादियान जी हैं और एक भी वोट इधर उधर से अपने जो हल्के 8-10 गाँव हमारे मुस्लिम सारे के सारे मुस्लिम भाई वोट एक करके इसको देंगे। और ये अफवाह फैलाई जा रही है, इसमें कोई फायदा नहीं, ध्यान देना किसी भाई का भी, सारे सरपंच सब एक साथ हैं। मैं सरपंच प्रतिनिधि हरिमाजरा गांव से, कुछ दिन पहले सभी सरपंच साथी गांव हरिमाजरा में इकट्ठे हुए थे, वहां मीडिया से रूबरू भी हुए थे, तो सभी सरपंच साथियों ने भाई साहब देवेंद्र कादियान को दिल से समर्थन दिया था। जब तक टिकट का भी कोई जवाब मिला उस समय भी ये बोला था कि भाई टिकट के साथ आएगा जब भी उनके साथ है, निर्दलीय आएगा जब भी उनके साथ है। तो अभी तक जो अफवाह चल रही है कि कोई सरपंच टूट गया वो हमारे साथ दो दिन बाद, ऐसा कुछ नहीं है। जो सरपंच उस दिन भाई साहब के साथ थे वो आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, और तन मन धन से भाई के साथ सरपंच साथी सभी सहयोग कर रहे हैं। राम राम जी, मैं सरपंच प्रतिनिधि एमपी माजरा। कुछ दिन पहले ये जो अफवाह चलाई गई कि सरपंच फलाना सरपंच तोड़ दिया, उस गांव से सरपंच तोड़ दिया है,
ये सब झूठ है। इस हल्के की जनता से मेरी अपील है, आपने इन अफवाह पर कोई बिल्कुल ध्यान नहीं देना। हमारे साथ हमारे मुरथल ब्लॉक के, सोनीपत ब्लॉक के और गनौर ब्लॉक के जितने भी सरपंच एसोसिएशन है सभी हमारे साथ है। सभी साथ मिलके एकजुट देवेंद्र काजन भाई साहब के साथ खड़े हैं और उनको सफल बनाने का काम। धन्यवाद। राम राम भाई, न्यूज वाले ने भी सारा ने भाई भाई हम देवेंद्र काजन के ला है सारे सरपंच ठीक है। ये जो अफवाह चल रही है ये गलत है। हम देवेंद्र काजन का तसली तक करेंगे हर कम की सोच। राम राम भाई साहब, मैं ना गाँव बहत्तर और हम दिल से ही भाई साहब के साथ जुड़े हैं। अब हमें गांव का समर्थन भी मिल चुका है। वो खुद कह रहे हैं कि हमने आपको बनाया है, अब भाई साहब के साथ हुआ, अब खुल के सपोर्ट करनी है, हर तरह से सपोर्ट करनी है। पहले भी भाई साहब के साथ थे और अब परसेंटेज बढ़ाएंगे ना गाँव में बढ़ाएंगे। भाई जहाँ पर निर्मल होगी ना वहाँ तो हरियाणा करमा जाओगा और निर्मल के खिलाफ इलेक्शन लिखा है और 100% लड़ेंगे और कोशिश करेंगे। अब एक भी पर्ची जान देंगे निर्मल के नाम से, एक आधी जो पर्ची जाएगी मेरे गांव से वो सिर्फ और सिर्फ पर्ची की वजह से जाएंगी और नहीं तो कोशिश करूंगा आगे मैं पर्ची नहीं जाने दूंगा सिर्फ निर्मल के कारण। हमारे पूरा गांव बिल्कुल भाई काजन के साथ है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बिल्कुल सब के सब पूरी 36 बरादरी उनके साथ है। कोई भी कुछ भी बोल ले, कोई पैसा दे ले, कोई कुछ भी कर ले, चाहे रात को आए या दिन को आए, हमारा सारा समर्थन भाई काजन के साथ है। 36 बरादरी बिल्कुल इनके साथ है। आज कम से कम कई आदमी तो कांग्रेस के ऐसे टूट के आए हैं हमारे साथ जो कब बिल्कुल बचपन से उनके साथ थे, उनके घर वाले उनके साथ थे, आज वो भाई काजन के समर्थन में आ गए। मेरे सभी साथियों को सबसे पहले सलाम है, ख़ास तौर से गन्नौर हलका की जो जनता है उन सब के लिए। देखिए मैं मौलाना इमरान गांव देवड़ू से, मैं जो देवेंद्र काजन भाई साहब से जो जुड़ा हूँ मैंने उसके अंदर जो है ना एक इंसानियत देखी, एक भाईचारा देखा है। उनके यहाँ पे कोई जाति नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है और जब भी वो बात करते हैं हमेशा देश को जोड़ने की बात करते हैं। कभी भी उनकी किसी भी बात के अंदर हमें ये नहीं लगा कि वो जाति या किसी धर्म या किसी जो है विशेष जाति के बारे में उन्होंने कुछ इस तरह की बात रखी हो कि जिससे ये लगे कि ये आदमी जो है ना धर्म की राजनीति कर रहा है। हम लोगों ने उसके अंदर ये भी चीज़ देखी है कि सच्ची इंसानियत का दर्द वो आदमी अपने दिल के अंदर लिए घूमता है और घरों घरों में जाकर के जो उससे बन पड़ता है, जो उससे हो सकता है, चाहे वो गरीब की बेटी की शादी का मैटर हो या जो है किसी गरीब के घर की छत गिर गई हो उसे बनाने का मैटर हो या कोई हॉस्पिटल के अंदर उसका ज्यादा बड़ा बिल आ गया हो या हॉस्पिटल में एडमिट होने में बहुत सारी दिक्कतें आती हों, उन चीजों के लिए उस बंदे ने बहुत सारी मेहनतें की हैं। और हम भी ये चाहते हैं कि कोई ऐसा हमारे बीच में हमारा भाई आए जो हमारे बीच में नेता नहीं बल्कि भाई बन करके हमारे बीच में आए तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। इसी के साथ साथ में उसने कई और भी काम किए हैं, जैसे कि उसने एजुकेशन के एतबार से उस भाई ने जो है ना देवा एकेडमी के नाम से यहाँ पे जो है ना अपना सिस्टम चालू किया है और वो गरीब बच्चे जो पढ़ने में अच्छे हैं और वो आगे बढ़ करके कुछ नाम रोशन कर सकते हैं देश का, उनका यहाँ पर फ्री में जो है ना एजुकेशन पॉइंट रखा गया है और वो तालीम हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा वो बच्चे जो एजुकेशन में 10th है 12th है या इसके अलावा जो है ना और बड़े कोर्सेज करके वो जो अपने आप को लेकर के आते हैं तो उनको सम्मानित भी किया जाता है। आज गरीब के बच्चे को क्या चाहिए? आज गरीब के बच्चे को ये चाहिए कि उसकी कोई कमर के ऊपर हाथ रख करके उसकी हिम्मत बंधाए और यूं कहे कि बेटा तू आगे चल मैं तेरा साथ दूंगा। तो आज जो खासतौर से तो देश के अंदर जो हो रहा है कि पूंजीपति लोग मालदार लोग तो अपने बच्चों को अच्छी एकेडमी के अंदर एडमिशन करा देते हैं, गरीब का बच्चा कहां जाएगा? इस देश के अंदर जो है ना 80% से ज्यादा पब्लिक जो है वो गरीब है जो डेली मजदूरी करती है। पूरे देश के अंदर एक बड़ी तादाद ऐसी है जिसको जो है ना डेली वो कमाते हैं और डेली वो खाते हैं, जो दिन में मजदूरी की उसी से शाम को उनके यहाँ पर चूल्हा जलता है, उससे जो है ना पालन पोषण होता है और वो अगले दिन का इंतजाम करते हैं। ऐसे घरों के लिए उस बंदे ने खास तौर से जब लॉकडाउन लगा ऐसे मौके पर उन गरीब घरों के अंदर उस बंदे ने राशन पहुंचाया कि जहां बड़े बड़े तुर्रम खा जो है ना वो पानी की एक बोतल तक नहीं पहुंचा पाए। तो हम लोग मुस्लिम समाज से, हमें इसमें कोई दो राय नहीं है, हमें बिल्कुल किसी चीज का खौफ नहीं है कि हम लोगों ने जो है ना देवेंद्र काजन भाई को जो है ना अपना छोटा भाई अपना बड़ा भाई मान करके उनको खुलकर के समर्थन दिया है और हम दिन रात इंशाल्लाह उनके लिए पूरी मेहनत करेंगे और उन्हें विधानसभा बना
के अंदर जो है भेजने का काम करेंगे। हम लोग हर तरीके से साथ रहेंगे उनके साथ। क्या मामला है? मामला क्या भाई साहब, एक तरफ ही है। मेरे गांव में आज प्रोग्राम था कुलदीप शर्मा जी का, पूरे गांव में से मुश्किल से 50-60 आदमी पहुंचे हैं। एक हमने सारे सरपंच अनबा दुर्भाई सरपंच बनाया था, उसकी भी सभी सुनी, उसके साथ दो सरपंच हो रहे हैं, इधर सारे सरपंच देवेंद्र भाई साहब के साथ। अगली रणनीति क्या रहेगी? गन्नौर का विकास करना है भाई साहब। भाई साहब हम भी कहेंगे नहीं भाई, से हमारे लिए 10 करोड़ दिखा दो मरते, हम भी कनाले अच्छे हैं सरपंच भाई साहब, हम गांव ने बना रखे हैं भाई साहब, एक समाज ने बना रखे, समाज आईना है, और देवेंद्र भाई को भी पहचान चुके हैं ना भाई साहब। भाई साहब यार वो लठ लागे मारा वो कौन साम भूले बैठे, सोचने की बात है भाई साहब, ये 5-2.5 साल हुए जब हमारे को ना कोई ग्रांट मिली। हाँ सरपंचों को थोड़े नहीं लिए ना, आ रहे बिल्कुल आ रहे भाई साहब, एक भी सरपंच हमारा टूटेगा नहीं भाई साहब, मजबूत सरपंच है। अच्छा राम राम, मैं ये कह रहा हूँ अब ऊपर आते हैं खूब आ रहे हैं ऊपर, लेकिन हमारा कोई भी सरपंच साथी नहीं टूटेगा, सिर्फ और सिर्फ आत्मा से जुड़ रहे हैं और एक कसम खा रखी है अगजेंद्र भाई को, पूरे गन्नौर हल्के से सारे भाई लड़के जताऊंगे और लोगों का हाथ भी जोड़ेंगे, पैर भी पकड़ेंगे, मनाऊंगे, और अपने सरपंच साथियों से हमने सबसे बात कर ली है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब भाई ये कह दें गुरमेल 4 दिन में आ जाएगा या हरस आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई जाएगा, सब अगजेंद्र का जन भाई के साथ रहेंगे और लास्ट तक रहेंगे, और ना ही कोई बिकेगा और ना ही कोई बात, ना हम बिकने वाले हैं,